इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रेड डाली गई छत्रपाल सिंह के ठिकानों पर। राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं छत्रपाल सिंह, दिल्ली गाजियाबाद के ठिकानों पर। पोर्श डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ियां उनकी मिली हैं। जयपुर में भी सर्च अभियान चल रहा है। हर्षा कुमारी हमारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। हर्षा, ये बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की, राजकॉम इन्फो सर्विसेज के जीएम हैं छत्रपाल सिंह, और क्या कुछ जानकारी हाथ लग रही है आपके इस पूरी रेट को लेकर? देखिए, जो छापे हैं वो तीन जगह हो रहे हैं, जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद में चल रहे हैं। और इसमें ये जानना जरूरी है कि राजकॉम जो है वो है क्या। तो देखिए, जो राजकॉम है, राजकॉम एक तरह से प्रोक्योरमेंट का काम करता है डीओआईटी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आईटी वाला सेल है राजस्थान का, उसमें राजकॉम काम करता है। तो ये जो है, ये जीएम है राजकॉम के। और इसमें जरूरी, जैसे वो मैंने अभी जो बात करी एसीबी से, उसमें ये समझ में आया है कि देखिए, जहां पर भी आय से ज्यादा की संपत्ति का इन्फॉर्मेशन होता है, तो पहले वो एसीबी उसको पूरी तरह से तैयार करती है, डीए का केस बनाती है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस बनाती है, और उसके बाद ही वो कार्रवाई करती है। अब इस केस में, हाँ बिल्कुल, मतलब ये लग्जरी गाड़ियां जो है इनके नाम पे थे या नहीं थे, लेकिन ये जरूर, ये लग्जरी गाड़ियां जो है वो डेफिनेटली दिखाई, मतलब मिली है वहां पर, जिसमें एक डिफेंडर जो है, जो बहुत ही महंगी गाड़ी है, वो भी बताया जा रहा है कि उनके पास थी। और इनके पास जो है कि जो मतलब पूरे जो जांच में सामने आया है कि उन्होंने जो 2 करोड़ से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 85% ज्यादा उन्होंने संपत्ति, आय से ज्यादा संपत्ति उन्होंने मतलब इकट्ठा करी है। अब इनके यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, गाजियाबाद, दिल्ली, जयपुर में ये सब चल रहे हैं, सर्चेस चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां तो मिली ही हैं। साथ ही इनके मकान है सोडाला में, वहां पर भी सर्च है। अजमेर रोड पर श्याम नगर में भी एक फ्लैट है, वहां पर भी सर्च है, और एक फ्लैट अशोक नगर में है। तो 2-3 जो ये मकाने हैं, बैंक्स है, यहाँ पर हो रहा है सर्च। एंड इसमें आपको ध्यान होगा, पॉलिटिकली ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब किरोड़ी लाल मीना थे, उन्होंने, आपको याद होगा कि डीओआईटी को लेकर काफी उन्होंने मुद्दा उठाया था पिछली चुनाव के पहले, राजस्थान में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने काफी ये मुद्दे उठाए थे कि आईटी में इस तरह से जो प्रोक्योरमेंट है, इसको लेकर भी काफी उन्होंने मुद्दा उठाया था, चर्चा हुई थी। लॉकर्स भी पे भी उन्होंने कार्रवाई करवाई थी, और आपको मालूम है कि गोल्ड मिला था डीओआईटी के मतलब प्रीमाइसेस में ही, एक लॉकर में किसी ने गोल्ड छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं कि उन्होंने इस पर जोर दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई हो। तो लगता है कि अब जैसे सरकार बदल गई है, तो इस इशू पे डीओआईटी में, डीओआईटी से संबंधित एसीबी लगता है केस बना रही है। ठीक है हर्षा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की इस कार्रवाई पर जानकारी दे रही थी हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह।